जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद की जगह पर शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का इनॉग्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अब लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद भी बिल्कुल उसी तरह पर जाती नजर आ रही है। हालांकि तीसरी बात अगर हम करते हैं, तीसरी जगह वो है मथुरा की शाही ईदगाह, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के पक्ष में है, लेकिन कब ये फैसला बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी इसमें सुनवाई जारी है। क्योंकि ज्ञानवापी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का शुरू में कुछ फैसला आया और उसके बाद कुछ दूसरी तरह से कि उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। अब इस मामले में जो एएसआई ने जो सर्वे किया था और 2000 पेज की जो रिपोर्ट सबमिट की थी कोर्ट में, कल ये फैसला आया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जरिए जो रिपोर्ट तैयार की गई थी सील बंद लिफाफे में, वो दोनों ही पक्ष को दे दी जाए। हालांकि इसमें अभी एक हफ्ते का वक्त और लग सकता है, दोनों की तरफ से एक रिक्वेस्ट दी जाएगी और उसके बाद ये सील बंद लिफाफे में से इनको इसकी कॉपी जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी और फिर इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी। 2024 के लिए पूरा मुद्दा पूरी तरह से अब तैयार है। अब क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में जो पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट है उसका क्या होगा वो उसको कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के मामले में तो पुरातत्व विभाग और एएसआई ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी कि वो मस्जिद के पक्ष में थी क्योंकि उस वक्त इतना हंगामा नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से मोदी और भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठन, आरएसएस, इन दोनों मामले को लेकर के मुखर हैं, क्योंकि अब बाबरी मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो गया और अब ज्ञानवापी या फिर मथुरा के दो मुद्दे ऐसे ज्वलनशील हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है 2024 के इलेक्शन के साथ साथ जितने भी राज्यों के इलेक्शन आएंगे उनमें इन मुद्दों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा और फिर उसी धरने पर यह कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है। तो कल ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को दी जाने का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि फिलहाल ये कॉपी सार्वजनिक नहीं होगी। माना जा रहा है कि आज शाम कोर्ट का आदेश मिलेगा, इसके बाद पक्षकारों को कोर्ट में आवेदन देना होगा, आवेदन के बाद सर्वे की रिपोर्ट की फोटोकॉपी पक्षकारों को दी जाएगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थल ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले दिनों एएसआई सर्वे कराया गया था। पिछले दिनों इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही थी, इसे लेकर ही वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी पक्षकारों को ये रिपोर्ट सौंपी जाए। एक दिन पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल की गई थी रिपोर्ट। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने एक दिन पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। ये रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई। पहली रिपोर्ट 25 जनवरी 2024 को दाखिल की जानी थी। ये सर्वे रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर दाखिल की गई है। प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेंगे, ये बात वकीलों ने कहा है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाए। हमारी कानूनी टीम इस प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगी। रिपोर्ट सार्वजनिक होने में अभी एक हफ्ते का वक्त लग सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि एएसआई की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को दी जाएगी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने में अभी एक हफ्ते का वक्त और लगेगा। दरअसल एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के लिए सभी पक्षकारों को कोर्ट में आवेदन करना होगा, इसके बाद सर्वे रिपोर्ट की फोटोकॉपी पक्षकारों को दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगने की उम्मीद जताई जा रही है।